जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अनुराग वस्त ने भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड मलासा के अंतर्गत ग्राम नेरा कृपालपुर में विगत दिवस निकले एक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस के अंतर्गत गांव को सील किए गए सीमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित SDM, BDO, MOIC, क्षेत्राधिकारी आदि से क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने SDM को निर्देशित किया कि गांव के जितने भी लोग पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हुए हैं उनकी प्रॉपर जांच कराई जाए तथा उन्हें अलग क्वारंटाइन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि गांव में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा गांव को सैनिटाइज करते रहें ताकि जो सब्जी आदि बाहर से गांव में वाहन द्वारा भेजी जाती है तथा वाहन वापस आने पर पूरी तरह से सैनिटाइज करने का कार्य किया जाए। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को घर पर न रखा जाए तथा उन्हें अलग अलग बाहर रखा जाए व उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उन्होंने ग्राम प्रधान से कहा कि गांव में अपना मोबाइल नंबर प्रसारित करा दें जिससे कि किसी चीज की आवश्यकता हो तो उसे वह अवगत करा सके। जिलाधिकारी ने सभी SDM को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करा दें कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वह स्वयं ही प्रशासन को सूचना देंगे तथा बाहर रहेंगे तथा गाँव वालों को भी सूचना देंगे तथा उनकी प्रॉपर जांच की जाए, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए और क्वारंटाइन के वक्त जिन लोगों की जांच रिपोर्ट गई है तथा रिपोर्ट आने के बाद ही उनको छोड़ा जाए लेकिन उसने समय पूरा कर लिया हो। जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर लगे सभी लोगों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही क्षमा नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें तथा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इस मौके पर SDM भोगनीपुर राजीव राजव, तहसीलदार BDO मलाशा, MOIC मलाशा आदि उपस्थित रहे। कृपालपुर में एक कोरोना पॉजिटिव केस है और ये 2-3 दिन पहले आया था, तो इसमें जैसे ही ये केस मिला था तुरंत जो पॉजिटिव केस है उनको तो जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया गया था और इनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ से हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन में ले जा करके इनका मेडिकल चेकअप कराया गया और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई है जैसा अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन एहतियात के तौर पर अभी चूँकि जो भी पॉजिटिव केस है वो हॉस्पिटल में है, यहाँ पर इस गांव में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, इसको सील करने की कार्रवाई, बैरिकेड्स लगाना, बाहर से कोई अंदर ना जा पाए, ये सब सारी एक्टिविटी इसलिए की गई हैं कि जो भी कोरोना महामारी है इसका प्रसार ना हो सके। अभी मुझे SDM ने ये भी बताया कि गांव में कुछ लोगों ने चाय और चीनी और सब्जी आदि की इनको आवश्यकता है तो उसका प्रबंध किया जा रहा है और उसको लोडर से अंदर भेजा जाएगा। और हमने ये भी कहा है कि जो भी गाड़ी अंदर जाती है वो जब बाहर आएगी तो यहाँ जो एंट्री सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर उसको सैनिटाइज भी कराया जाएगा। पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। सर, जो सर बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए रोकथाम के लिए सर क्या किया जा रहा है, प्रशासन तब से क्या व्यवस्था? प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग ये कर रहे हैं कि उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन ले जा रहे हैं और वहाँ पर उनको रख करके उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है 2-3 दिन उनको हम वेट करेंगे और तब होम क्वारंटाइन के लिए उनको भेज रहे हैं। और अगर किसी प्रकार का लक्षण है तो उस हिसाब से फिर उनकी टेस्टिंग करा करके और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी।